बेगूसराय के फुलवरिया थाने की पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब उसने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने के दौरान जाली नोट 4 लाख के जाली नोट समेत मंजर आलम नामक के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। पूर्व फिर पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर पुलिस टीम के द्वारा समस्तीपुर जिले से एक महिला कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस दोनों कारोबारियों से पूछताछ कर रही है। तेघरा DSP रविन्द्र मोहन प्रसाद ने बताया कि बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार को सूचना मिली थी कि फुलवरिया थाना क्षेत्र के सुजीत होटल के समीप जाली नोट के कुछ कारोबारी जाली नोट समेत आ रहे हैं और इसी सूचना के आधार पर SP योगेंद्र कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया और उसके निशानदेही पर उक्त स्थल पर छापेमारी की, जहां से मंजर आलम को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। फिर जब उससे पूछताछ की गई तब उसने बताया कि समस्तीपुर के रहने वाली एक महिला के पास से उसने जाली नोट लिया है और उसे फुलवरिया थाने क्षेत्र में कारोबारी के नजदीक पहुंचाना था, लेकिन इसी क्रम में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस के द्वारा दोनों कारोबारी से पूछताछ की जा रही है तथा पुलिस के द्वारा जाली नोट के सैंपल लैब में भी भेजे जाएंगे, जहां और अधिक जानकारी प्राप्त की जाएगी। फुलवरिया थाना अंतर्गत होटल सुजीत के पास औचक कार्रवाई करते हुए फुलवरिया थाना की पुलिस ने लगभग 4 लाख जाली नोट बरामद किए, जिसके साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। कल दिनांक 16/9/2023 को लगभग शाम को 3 बजे गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति कुछ अवैध जाली नोट लेकर होटल सुजीत मिर्चैया चौक आने वाला है। इसी सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस अधीक्षक के द्वारा थाना प्रभारी फुलवरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस गठन में थाना के पदाधिकारी शामिल थे। उन्होंने फुलवरिया थाना अंतर्गत सुजीत होटल पहुंची और वहां एक काला रंग का बैग लिए जो व्यक्ति था उसको गिरफ्तार किया गया। बाद में उस बैग की छानबीन की गई तो उसमें जाली नोट बरामद किए गए। उस व्यक्ति का नाम मंजर आलम था, जो गढ़पुरा का रहने वाला है। फिर उसका गहन पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि समस्तीपुर से उसने इस जाली नोट को प्राप्त किया है, तो उसके निशानदेही पे हमारी टीम समस्तीपुर जाकर छापेमारी की और वहाँ से भी एक महिला को गिरफ्तार किया गया। इसमें जब्ती के रूप में 4 लाख रुपये और 2 मोबाइल को जब्त किया गया है और फुलवरिया थाना कांड संख्या 132/23 दर्ज कर दी गई है। हाँ, सभी लोग लगभग सभी नोट जाली हैं, बाकी इसको हम लोग फोरेंसिक लैब में भी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे। समस्तीपुर जिला की रहने वाली है और जो पुरुष है मंजर आलम, वो गढ़पुरा थाना बेगूसराय का रहने वाला है। हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम में शामिल सभी पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। कहाँ कहाँ सर जाली नोट का कारोबार किया जाता था, ऐसा जानकारी? ये तो अनुसंधान का विषय है। हम लोगों ने उनका मोबाइल जब्त किया है और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर हम लोग और अग्रिम कार्रवाई करेंगे।